नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय। आप सभी का अजय ऑनलाइन की क्लास में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं या ऊपर का ही बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे फेसबुक चैनल अजय ऑनलाइन फ्री क्लास से भी जुड़ सकते हैं। या आपको हमारे वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो, या आपको करेंट अफेयर्स की जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जो क्या है, अजय ऑनलाइन फ्री क्लास टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। आज हम जानेंगे आपके महत्वपूर्ण टॉपिक कृषि विज्ञान के खरपतवार के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में। किसके बारे में जानेंगे हम? कृषि विज्ञान के टॉपिक है खरपतवार। खरपतवार कुछ क्या जानेंगे हम? महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, पहला प्रश्न है आपका, सामा घास खरपतवार किसमें उगता है? घास की भी अलग अलग प्रकार होते हैं खरपतवार के रूप में, घास के रूप में भी खरपतवार पैदा होते हैं। तो क्या है, घास के भी अलग अलग प्रकार होते हैं वो भी खरपतवार के रूप में। तो सामा घास खरपतवार किसमें उगता है? तो पहला ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए है खरीफ में, ऑप्शन बी है रबी में, ऑप्शन सी है जायद में, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी में। क्या बात किया आपका, ऑप्शन ए है खरीफ में, ऑप्शन बी है रबी में, ऑप्शन सी है जायद में, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी में। तो सामा घास खरपतवार किस में उगता है? आपका खरीफ फसल में उगता है, खरीफ में उगता है। सामा घास खरपतवार किस में उगता है? आपका खरीफ में। तो इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए। क्या है इसका उत्तर? ऑप्शन ए। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न दूसरा आपका क्या है, खरपतवार फसलों की अपेक्षा, क्या बात कर रहा है, खरपतवार फसलों की अपेक्षा निम्न परिस्थितियों को भी सहन कर लेता है। मतलब क्या, खरपतवार जो भी रहता है, खरपतवार हर परिस्थिति को ही सहन कर लेता है। ऐसा खरपतवार है जो कि धूप में भी बरसात में भी पैदा हो जाता है। जितने भी फसल है, हर मौसम के फसल में क्या होता है, यह खरपतवार मौसम को क्या कर लेता है, सहन कर लेता है, और वहां क्या होता है, पैदा हो जाता है और फसल को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। इसका ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए है रोगों को, ऑप्शन बी है कीटों का आक्रमण को, ऑप्शन सी सूखा को, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ऐसे उपरोक्त सभी वाले क्वेश्चन आपको क्या करते हैं, हमेशा डाउट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, हमेशा डाउट रहता है कि ऑप्शन ए हो सकता है, क्या उपरोक्त सभी हो सकता है। तो हम इसको जानते हैं कि खरपतवार फसलों की अपेक्षा निम्न परिस्थितियों को भी सहन कर लेता है। मतलब क्या, धूप को, आने वाले रोगों को क्या क्या सहन कर सकता है, तब हम देखते हैं इसमें। ऑप्शन ए क्या बोला हमने, रोगों को, कीटों का आक्रमण को, सूखा को। तो इसका उत्तर है दोस्तों उपरोक्त सभी। ये क्या कर सकता है, रोगों को भी सहन कर सकता है, कीटों का आक्रमण को भी, और सूखा को भी, और मौसम को भी, बरसात के मौसम के भी, यहाँ पे ऑप्शन नहीं लेंगे, और धूपों को भी क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। तो इसका उत्तर है क्या दोस्तों, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को क्या है, खरपतवार सहन कर सकता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका तीसरा, बहुवर्षीय खरपतवार का नाम बताइए। जो क्या है बहुवर्षीय, मतलब क्या है इसके, क्या है बहुवर्षीय, बहुत प्रकार से इसके खरपतवार है, इसका नाम है बहुवर्षीय खरपतवार के नाम क्या हो सकते हैं? ऑप्शन ए मोथा, ऑप्शन बी है धूप घास, ऑप्शन सी है कांस, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। क्या बात कर रहा है, बहुवर्षीय खरपतवार का नाम बात कर रहा है। तो बहुवर्षीय खरपतवार का नाम क्या है, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी। क्या हो सकता है बहुवर्षीय खरपतवार का नाम, मोथा भी हो सकता है, धूप घास भी हो सकता है, या कांस भी हो सकता है। तो इसका उत्तर क्या है आपका, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तब हम चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चौथा, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार का उदाहरण है, या डायरेक्ट चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के नाम पूछ सकते हैं। वो पूछ रहा है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार का उदाहरण पूछ रहा है, जो क्या है, चौड़ी चौड़ी पत्ती वाले होते हैं खरपतवार। ऑप्शन ए आपका जंगली चौलाई जूट, या लौसुआ साठ, या क्या बोलते हैं दुद्दी गोखरू। क्या बात किया, दुद्दी गोखरू, या डी उपरोक्त सभी। तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार का उदाहरण है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसमें क्या हो सकते हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार चौलाई भी होते हैं, लौसुआ गांठ भी होते हैं, दूध गोखरू भी होते हैं, चौड़ाई वाली पत्ती वाले। इसका उत्तर क्या है, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी। हम चलते हैं अब आपका अगले प्रश्न की ओर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका हजारी दाना, क्या बात कर रहा है आपका, नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, हजारी दाना, हजारी दाना नूनी। क्या बात किया, हजारी दाना नूनी, या बीस खपरा, या खरपतवार किस मौसम में उगता है? क्या ये सब क्या है, खरपतवार, इसके क्या अलग अलग नाम है, इसे नाम क्या बोल रहे हैं आपका, हजारी दाना नूनी बीस खपरा, खरपतवार क्या है, किस मौसम में उगते हैं, मौसम देखते हैं अपन। तो ऑप्शन ए रबी के मौसम में, ऑप्शन बी है रबी में, ऑप्शन सी है जायत में, ऑप्शन डी है ए सभी में। क्या बात किया, ऑप्शन ए खरीफ में, ऑप्शन बी रबी में, ऑप्शन सी है जायत में, ऑप्शन डी है
या सभी में। तो हजरी दाना और नूनी और 20 खपरा खरपतवार किसमें उगते हैं? आपका ऑप्शन ए खरीफ में उगते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए खरीफ में क्या होते हैं ये खरपतवार वहां पे उगते हैं। हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका छठवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न है आपका निम्न में से वर्णात्मक संस्पर्श शाकनाशी कौन सा है? क्या बात क्या निम्न से वर्णात्मक संस्पर्श शाकनाशी कौन सा है? ये भी क्या है? खरपतवार है संस्पर्श शाकनाशी। इसमें देखते हैं अपन ऑप्शन ए प्रोपनील, ऑप्शन बी है एमसीपीए, ऑप्शन सी है 2,4-D, ऑप्शन डी है रोमिट्रोल। क्या बात किया आपका? ऑप्शन डी है रोमिट्रोल। तो क्या बोल रहे वर्णात्मक संस्पर्श शाकनाशी के बारे में पूछ रहा है। तो शाकनाशी कौन सा आपका का ऑप्शन सी 2,4-D। क्या बात किया आपका? 2,4-D। 2,4-D क्या है? शाकनाशी है। इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका संबंधित खरपतवार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? संबंधित खरपतवार को कहा जाता है। तो हम देखते हैं आप संबंधित खरपतवार को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए गेहूं के साथ बथुआ, ऑप्शन बी है गेहूं के साथ कृष्ण नील, ऑप्शन सी है गेहूं के साथ चना, ऑप्शन सी है गेहूं के साथ मोथा। नहीं, ऑप्शन डी आपका गेहूं के साथ मोथा। क्या है? जो भी गेहूं के साथ जो भी खरपतवार हो तो उसके नाम दिया है। गेहूं के साथ क्या होता है? बथुआ होता है। ऑप्शन बी क्या बात क्या आपका? गेहूं के साथ कृष्ण नील होता है। ऑप्शन सी कृष्ण के साथ गेहूं के साथ चना होता है। ऑप्शन डी गेहूं के साथ मेथा भी बथुआ होता है। तो संबंधित खरपतवार कहा जाता है। गेहूं के साथ क्या होता है आपका? कौन सा खरपतवार होता है इसमें? गेहूं के साथ मोथा। तो इसका उत्तर क्या होगा? संबंधित खरपतवार क्या होता है? गेहूं के साथ क्या होता है खरपतवार? मोथा खरपतवार होता है। तो इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी। गेहूं के साथ हमेशा क्या होगा? मोथा खरपतवार होगा आपका। तो आपका आठवां प्रश्न है 2,4-D। क्या बात कर रहा है आपने? 2,4-D के ऊपर भी क्वेश्चन देखा। 2,4-D शाकनाशी खरपतवार को नष्ट करता है। मतलब क्या है? 2,4-D क्या है? शाकनाशी है, शाकनाशी खरपतवार है जो कि क्या है? खरपतवारों को नष्ट करता है। और 1940 भारत में 1940 क्या है? भारत में 1940 के बाद से खरपतवार नष्ट करने का प्रयोग किया गया। भारत में सबसे पहला प्रयोग किसका किया गया आपका? 2,4-D का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया आपका? 2,4-D का प्रयोग किया गया भारत में खरपतवार को नष्ट करने के लिए। सबसे पहला प्रयोग किसमें किया गया पूछ सकते हैं डायरेक्ट। सबसे पहला प्रयोग किसमें किया गया आपका? गेहूं में किया गया था 2,4-D का। सबसे पहला प्रयोग किसमें किया गया था आपका? गेहूं में। 2,4-D शाकनाशी खरपतवार को नष्ट करने का सबसे पहला प्रयोग कब किया गया था आपका? 1940 में भारत में किया गया। 1940 का भारत में प्रयोग किया गया। सबसे पहला प्रयोग किसमें किया गया? गेहूं में किया गया। याद रखिएगा दोस्तों, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहला खरपतवार नष्ट करने के लिए 2,4-D का प्रयोग किसमें किया गया? गेहूं में किया गया। अगर आपने हमारा इसका पूरा खरपतवार का वीडियो नहीं देख रहा था, आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर पूरा वीडियो देख सकते हैं, खरपतवार को पूरा समझ सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो क्या है 2,4-D शाकनाशी खरपतवार को नष्ट करता है। ऑप्शन ए है सत्यानाशी को, ऑप्शन बी है लहसुआ को, ऑप्शन सी है हिरणखुरी को, ऑप्शन डी है ये सभी, या इसको क्या बोल सकते हैं उपरोक्त सभी। तो अपन इसका उत्तर क्या होगा? शाकनाशी खरपतवार को नष्ट कर सकता है आपका? कौन नष्ट कर सकता है आपका? आपका उत्तर है इसका डी, ये सभी को नष्ट कर सकता है। क्या कर सकता है आपका? उपरोक्त सभी डी। इसका उत्तर क्या दोस्तों? डी, शाकनाशी खरपतवार को नष्ट करता है आपका। सत्यानाशी नष्ट करता है, लहसुआ नष्ट करता है, या हिरणखोरी को भी नष्ट करता है। इसका उत्तर क्या दोस्तों? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। हम चलते अगले प्रश्नों की ओर, प्रश्न नौवां की ओर। प्रश्न नौवां है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? खरपतवार विज्ञान का क्वेश्चन क्या आपका? खरपतवार विज्ञान का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है, यानी कहां स्थित है पूछ रहा है डायरेक्ट। खरपतवार विज्ञान का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहां स्थित है इसको अपन देखते हैं। ऑप्शन ए है भोपाल में, ऑप्शन बी है जबलपुर में, ऑप्शन सी है पुणे में, ऑप्शन डी है नई दिल्ली में। तो खरपतवार विज्ञान का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है आपका? ऑप्शन बी जबलपुर में क्या है आपका? राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र स्थित है। इसको उत्तर क्या है? ऑप्शन बी। इसको याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न दसवां। प्रश्न दसवां क्या बोल रहा है आपका? निम्न में से रबी खरपतवार का उदाहरण है। क्या बात कर रहे हैं? निम्न से रबी खरपतवार के उदाहरण को बताना है। रबी में कौन से खरपतवार पैदा होते हैं उसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए लहसुआ, ऑप्शन बी है सत्यानाशी, ऑप्शन सी है पत्थर चट्टा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
तो निम्न से रवि का खरपतवार कौन सा है? आपका रवि का खरपतवार है बी सत्यनाशी। क्या है इसका उत्तर? क्या होगा? ऑप्शन बी। तो रवि के खरपतवार का उदाहरण क्या है आपका? सत्यनाशी खरपतवार। क्या है? रवि के खरपतवार का उदाहरण है। हम चलते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका ग्यारहवा प्रश्न है आपका, खरपतवार नाशकों का प्री इमरजेंस प्रयोग होना चाहिए। क्या बात कर रहा है? प्री इमरजेंस का बात कर रहा है। खरपतवार नाशक क्या कह सकते हैं अपन? प्री इमरजेंस। ये भी क्या है कि आंतरिक योजना है, इसके अंदर भी क्या कह सकते हैं? प्री इमरजेंस का प्रयोग होना चाहिए बात कर रहा है। इसको कब प्रयोग करते हैं इसके बारे में जानते हैं। प्री इमरजेंस का प्रयोग होना चाहिए, इसका प्रयोग हम कम करेंगे, इसको देखते हैं। ऑप्शन ए बुआई की 24 घंटे पूर्व, क्या एक रासायनिक है प्री इमरजेंस प्रयोग। ऑप्शन बी है बुआई के साथ साथ, ऑप्शन सी है बुआई के एक हफ्ते बाद, ऑप्शन सी डी है फसल की बुआई के बाद या खरपतवारों को उगने के पहले। क्या बात कर रहे हैं? या खरपतवारों के उगने के पहले का बात कर रहा है। तो इसका उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, बुआई के एक हफ्ते बाद। खरपतवार नाशक का प्री इमरजेंसी प्रयोग कब करना है? जब अपन फसल लगा लेंगे तो उसके बाद खरपतवार नाशक का प्रयोग कब करना है आपका? बुआई के एक हफ्ते बाद करना है। उसमें भी क्या प्रयोग करना है आपका? प्री इमरजेंसी का प्रयोग करना है। वो भी कब किया करना चाहिए? बुआई के एक हफ्ते बाद करना चाहिए। इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बारहवा प्रश्न है आपका, धान में भी खरपतवार होते हैं, गेहूं में खरपतवार होते हैं, जितने भी फसल रहते हैं सब में खरपतवार। खरपतवार क्या है? बिना उगाए उग जाते हैं फसलों के साथ में या कोई भी फसल के साथ में। क्या क्वेश्चन में बात कर रहा है? धान में खरपतवार को रोकथाम के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? धान में भी किसका प्रयोग किया जाता है इसको देखते हैं अपन। 2,4-D का किसमें प्रयोग किया जाता है आपका? ऑप्शन ए 2,4-D का गेहूं में, या अलग अलग प्रकार के खरपतवार होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। क्या खरपतवार नाशी है? या फिर अपन को क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? धान के खरपतवार को रोकथाम के लिए पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन बी है स्टाम F34, ऑप्शन सी है लासो, ऑप्शन डी है सीमेजी। तो धान के खरपतवार को रोकथाम के लिए निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है आपका? स्टाम F34 का। किसका प्रयोग किया जाता है आपका? स्टाम F34 के। भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। स्टाम F34 का प्रयोग किया जाता है। हम चलते हैं आपका नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न 13वां। प्रश्न 13वां क्या बात कर रहा है आपका? इकोनोक्लोबो। क्या बात किया आपका? इकोनोक्लोबो बोलते हैं या क्लोबा। इकोनोक्लोबा क्रॉस गेली, इकोनोक्लोबा क्रॉस गेली एक प्रमुख खरपतवार है। क्या एक प्रमुख प्रकार का खरपतवार है? खरपतवार के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। इसमें भी एक खरपतवार आपका क्या है? इकोनोक्लोबा क्रॉस गेली एक प्रमुख खरपतवार है। किसका प्रमुख खरपतवार है इसको देखते हैं। ऑप्शन है गेहूं का, ऑप्शन बी है धान का, ऑप्शन सी है ज्वार का, ऑप्शन डी है आलू का। ये किसका खरपतवार है? इकोनोक्लोबा क्रॉस गेली किसका प्रमुख खरपतवार है आपका? ये खरपतवार है आपका धान का। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी इकोनोक्लोबा क्रॉस गेली एक प्रमुख खरपतवार है। किसका खरपतवार है? यह धान का खरपतवार है। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है 14, फिलेरिस माइनस किस फसल में उगता है? ये भी खरपतवार है। फिलेरिस माइनर किस फसल में उगता है? तो ऑप्शन ए है आलू में, ऑप्शन बी है जौ में, ऑप्शन सी है गेहूं में, ऑप्शन डी है धान में। तो फ्लेरिस माइनर किस फसल में उगता है? फ्लेरिस माइनर आपका गेहूं में उगता है। गेहूं की फसल लेते वहां पे क्या होता है? फ्लेरिस माइनस का एक खरपतवार पैदा होता है। इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी भारत में नागफनी को नष्ट करने के लिए, नागफनी क्या है? कांटेदार वृक्ष होता है। जिसमें क्या बात कर रहा है? भारत में नागफनी को नष्ट करने के लिए किस कीट का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी। क्या बात किया? भारत में नागफनी को नष्ट करने के लिए किस कीट का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है आपका? ऑप्शन ए है कासीडोर्टिया लेंटाना। थोड़ा अजीब सा नाम है लेकिन आपको याद करना थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन ऑप्शन याद रख सकते हैं। कासीडोर्टिया लेंटाना, कैक्टोब्लास्टिस या डेक्टोलोपिस टोनियन टोपास। ऑप्शन डी आपका एग्लोमाइजा लेंटाना। क्या बात किया आपका? एग्लोमाइजा लेंटाना। तो भारत में नागफनी को नष्ट करने के लिए किस कीट का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया? भारत में नागफनी को सफलतापूर्वक नष्ट करने के लिए आपका प्रयोग किया गया आपका कैक्टोब्लास्टिस। इसमें क्या डायरेक्ट ब्लास्ट कर दिया जाता है, कैक्टोब्लास्टिस कीटनाशक का प्रयोग किया गया। तो इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी।
क्या इसका उत्तर? ऑप्शन बी है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।